दोस्तों, अगर आपका क्रिकेट में एक्सपीरियंस है तो आप ये ज़रूर बता पाओगे कि अगर आप आईपीएल मैच देख रहे हो या फिर कोई भी क्रिकेट मैच अगर आप देख रहे हो और आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग एक्सपीरियंस है, तो नेक्स्ट बॉल पे क्रिकेटर जो प्ले कर रहा है, बैट्समैन, वो सिक्स मारने वाला है, चौका मारने वाला है, आउट होने वाला है या रन लेने वाला है, एक दो रन लेने वाला है, ये एटलीस्ट आप इतना अनुमान लगा सकते हो, यानी कि प्रिडिक्शन कर सकते हो, भविष्यवाणी आप जरूर कर पाओगे अगर आपका क्रिकेट खेलने में अच्छा या फिर क्रिकेट को देखने का जो अनुभव है आपका वो बहुत ज्यादा है, तो आप इतना अनुमान जरूर लगा पाओगे। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो आप अनुमान लगा रहे हो वो कभी कभी सच हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पापा क्रिकेट देखने के बहुत शौकीन हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं यार नेक्स्ट बॉल पे देख सिक्स जाएगा, तो जाता है, मतलब ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। कभी कभी वो बोल देते हैं कि यार अब ये आउट है, तो वो आउट हो जाता है, मतलब एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा कि 100% वो राइट ही बोलते हैं, कभी कभी उनका भी हो जाता, नहीं कभी वो आउट बोलते हैं तो सिक्स चल जाता है, ऐसा होता है सबके साथ, बट एटलीस्ट 40-60% तो सही होता है, 40% भले ही गलत हो बट 40-60% सही होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीएल प्रिडिक्शन ऐप के बारे में, ठीक है। आईपीएल प्रिडिक्शन ऐप बहुत ज्यादा स्कोप पे इस टाइम, आपको दोस्तों मैं बताऊँ, क्रिकेट आप सभी को पता है, क्रिकेट लवर्स बहुत है, मतलब जितने लोग मूवीज़ को नहीं देखते होंगे, जितना लोग मूवीज़ को पसंद नहीं करते होंगे, कार्टून को पसंद नहीं करते होंगे, या और भी बहुत सारे वेब सीरीज हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते होंगे, वो सभी लोग क्रिकेट को जरूर एटलीस्ट पसंद करते होंगे। आप मैं मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, मेरे देखने वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन सब में से मुझे पता है एटलीस्ट 80% मेरे व्यूवर्स क्रिकेट को जरूर लव करते होंगे। क्रिकेट को बहुत बेस्ट और एक बहुत बेस्ट स्पोर्ट्स की तरह भी देखा जाता है, और लोगों के अंदर बहुत जुनून भी है, बहुत सारी चीज़ों के लेके रहता है, लोगों का पैशन रहता है क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट एक बहुत बहुत ही बेस्ट स्पोर्ट्स गेम मैं कहूँगा। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में तब ज़्यादा आ जाता है इस टाइप के कैटेगरी के एप्लीकेशन जब आईपीएल चालू हो जाता है, ठीक है। आप पहले देख लो, पहले 5 डेज के मैचेस होते थे, फिर लोग बोर होने लगे, फिर वन डे मैच हो गया, फिर उससे भी कम ला के अब कर दिया गया 20-20, 20 ओवर का जो गेम रहता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये 2020 में एक तो तेज फास्ट गेम पूरा कंप्लीट हो जाता है, 20 ओवर का तो गेम ही रहता है, तो वो गेम भी जल्दी खत्म हो जाता है और लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। और इन बीच में, इन सभी चीजों में जो एप्लीकेशंस ट्रेंड करते हैं वो कुछ इस कैटेगरी के एप्लीकेशंस रहते हैं, लाइक ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन हो गए, आईपीएल प्रेडिक्शन ऐप हो गया, थर्ड क्रिकेट लाइव मैच देखने वाला स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो गया, चौथा जहां पे लाइव स्कोर आप देख सकते हो, ये चार कैटेगरी के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ जाते हैं इस समय पे, ठीक है। और इस समय पे अगर आपको मतलब इन कैटेगरी के एप्लीकेशन बनवाते हो तो ट्रेंड वो जरूर करेगा, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाके देख लो, आप अगर प्ले स्टोर के एप्लीकेशन का एनालिस करोगे तो आप सबको ये जरूर देखने को मिलेगा कि इन कैटेगरी के एप्लीकेशन जो रहते हैं वो इस सीजन में ज्यादा डाउनलोड होते हैं, इन्हीं सीजन्स में ज्यादा चलते भी हैं, ठीक है। अब आप ड्रीम इलेवन देख लो, अभी आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको ड्रीम इलेवन के ऐसा कुछ ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आईपीएल स्टार्ट होता है वैसे ड्रीम इलेवन अपनी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाने लगता है, और भी माई इलेवन सर्कल है, ऐसे जो क्रिकेट से रिलेटेड एप्लीकेशन रहते हैं वो आईपीएल के टाइम पे या फिर जब क्रिकेट प्ले हो रहा होता है, क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप हो रहा होता है, इस समय ज्यादा क्रिकेट गेम्स वाले जो एप्लीकेशन रहते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय ज्यादा डाउनलोड्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन, और आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन से आप कैसे अर्न कर पाओगे, और भविष्य में वो जो डाटा आपको मिलेगा एक टाइम पे उसका कैसे आप यूज कर पाओगे, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम बात करते हैं आईपीएल प्रिडिक्शन ऐप क्या होता है और ये क्यों बनवाना चाहिए आपको, ये हम पहले समझते हैं। आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन जो होता है दोस्तों, मतलब एक इस तरीके का एप्लीकेशन होता है जहां पे जो एप्लीकेशन ओनर होता है वो प्रिडिक्ट करता है, लाइक भविष्यवाणी करता है कि नेक्स्ट ओवर में क्या होगा, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट गेम कब आना, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं आईपीएल प्रिडिक्शन में, बट ज्यादातर इसलिए यूज होता है कि जो गेम चल रहा है, जैसे आईपीएल चल रहा है तो नेक्स्ट ओवर में क्या होना, नेक्स्ट जो बैटमैन नेक्स्ट बॉल पे क्या होगा, ये भविष्यवाणी करना, ठीक है, इसको बोलते हैं आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन कौन यूज करते हैं, आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन वो लोग ज्यादा यूज करते हैं जो बेटिंग, आईपीएल बेटिंग जो बेट करते हैं ना, आईपीएल पे पैसा लगाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, वो लोग ज्यादातर आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन का यूज करते हैं। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सट्टेबाजी वाले लोग जो आईपीएल पे पैसा खेलते हैं, पैसा लगाते हैं और जीतते हैं, वो कितने तादाद में बहुत है जो आईपीएल देख के पैसा हारते भी हैं, पैसा जीतते भी हैं, अपना खुद का सट्टाबाजी खेल के, ठीक है। वो लोग ज्यादा आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन यूज करते हैं ताकि वो लोगों के जो एक्सपीरियंस है उनसे वो पैसा जीत सके, जो आपका एक्सपीरियंस है उससे वो पैसा जीत सके, ठीक है। तो अगर आप अभी आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन बनवाते हो, देखो आईपीएल प्रिडिक्शन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आईपीएल बेटिंग एप्लीकेशन आप नहीं डाल पाओगे प्ले स्टोर पे, क्योंकि वो बेटिंग एप्लीकेशन है
प्ले स्टोर की पॉलिसीज को वॉयलेट करता है, बट प्रिडिक्शन एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, वहां पे सिर्फ आप भविष्यवाणी कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन का फायदा ये होता है कि एक तो उसके यूजर्स बहुत हैं जो यूज करने वाले एप्लीकेशन, सेकंड आप उसे प्ले स्टोर पे डाल सकते हो, थर्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि उस एप्लीकेशन को जो यूजर्स मिलेंगे ना, जितने भी यूजर्स मिलेंगे उन यूजर्स का डाटा बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। दोस्तों शायद आपको नहीं पता है कि यूजर्स का नेम, ईमेल आईडी, नंबर, उनकी जो डाटाज रहते हैं ना, वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप आईपीएल प्रेडिक्शन एप्लीकेशन बनवाते हो और वैसे यूजर्स आपको मिल जाते हैं, तो उनके डाटा को आप लॉजिकली सोच के देखो। हालांकि मैं ये वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोगों का प्यार मिला तो डेफिनेटली मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, पर उनके डाटा को यूज करके यू कैन अर्न लैक ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है उनके डाटा का यूज करके, ठीक है। लेकिन ये पहले लॉजिकली आपको सोचना है, या फिर आप इसको समझने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, या फिर आईपीएल प्रेडिक्शन एप्लीकेशन आप सोच रहे हो बनवाने के लिए, उससे रिलेटेड आपको कुछ जानना है, या फिर और भी इसके बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि आईपीएल आने वाला है तो आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया ऐसा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।